बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेतना थलिया, आप सबका मैं चाहूँ फिर से स्वागत है। अभी तैयार वैयार होके बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, पहले उस काम को पूरा करेंगे फिर जाएंगे ऑफिस, जो कि निक्की भाई आएगा लेट सेट, क्योंकि आज चाबी निक्की भाई के पास है। आज मैंने मतलब कल वो आए थे ऑफिस तो वही ले गए थे चाबी, कल मैं नहीं आता ऑफिस, तो मैंने सोचा ठीक है आप ही ले जाओ चाबी, क्योंकि मैं चल जाता हूँ ऐसे मुझे वेट करना पड़ता है। अब वो उनके पास है चाबी तो मुझसे पहले आ जाएंगे, फिर मैं कभी भी ऑफिस जा सकता हूँ। तो अभी चलते हैं बाहर क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो काम हो गया, काम होने के बाद अभी मैं रुका हूँ चौपाटी बाज़ार में, और जो जिस शॉप पे मैं रुका हूँ उसका नाम है कृष्णा, जो कि काफ़ी अच्छा फूड बनाते हैं भैया। और सबसे ज़्यादा मैं अगर रुकता हूँ तो इसी शॉप पे रुकता हूँ, तो अभी मैंने ऑर्डर किया है चिली पटेटो, जो कि पहली बार ऑर्डर किया है, तो देखते हैं उसका टेस्ट कैसा रहता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस चिली पटेटो, तो देखते हैं अभी खाते हैं फिर करते हैं आप लोगों से बात। और जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तब भैया ने गाना चला रखा था, तो मैंने उनसे कहा यार भैया एक मिनट के लिए गाना बंद कर दो, क्योंकि अगर कॉपीराइट आ जाता है अगर गाना बैकग्राउंड में चल रहा हो, तो अपन ने भैया से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने गाना बंद कर दिया। और ये मास्क मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिया है, क्योंकि जो मेरा पहला वाला मास्क था मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। एंड अभी मैंने चिली पटेटो खा लिया, मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। पहली बार ऐसी कोई चीज़ खाई होगी बाहर मैंने जो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, नहीं ऐसी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने बाहर खाई है और मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और खा लेता हूँ, क्योंकि मुँह का टेस्ट ख़राब हो चुका है, तो देखते हैं अभी यहाँ और कुछ क्या मिल रहा है, देखते हैं पहले फिर खाएंगे। वापस से रुक गया मैं, जैसे मैं बता रहा था कि चिली पटेटो का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, बट अभी मैं रुका हूँ छोले कुलचे खाने, और ये दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे वाला है जिसका नाम है A1, जिस शॉप का नाम है A1, तो देखते हैं अभी A1 लगते हैं या नहीं लगते हैं। मैंने एक प्लेट बोल दिए तो देखते हैं अभी आते हैं खाते हैं, और डायलॉग यही सही अपना है फेमस छोले कुलचे, आएंगे खाएंगे और फिर डायरेक्ट घर जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे एक और काम है वो करूँगा उसके बाद घर जाऊँगा। एंड अभी खा लिए छोले कुलचे, छोले कुलचे का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, और अभी मैं जा रहा हूँ सेकंड काम करने, जो कि आपको घर जाके सब बता दूंगा मैंने क्या क्या काम थे, तो अभी चलते हैं, या तो मैं ऑफिस भी जा सकता हूँ, अभी तक तो निकला का कॉल आया नहीं, आएगा तो देखते हैं। और पेट ऐसा फुल सा हो गया, तो ज़्यादा ही खा लिया मैंने बाहर का, तो अभी चलते हैं रवाना होते हैं। बाइक से लगती है ज़्यादा ठंड, अभी तो नहीं लग रही, और ऐसे भी जो मौसम था वो अभी नॉर्मल हो चुका है, जो मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा था 2-3 दिन से, अभी तो नहीं हो रहा, अभी बाहर का मौसम काफ़ी शानदार हो रहा है, गिर जाता गिर इस साइड ज़्यादा अच्छा आ रहा है, इस साइड अजीब सा आ रहा है, अजीब सा नहीं आ रहा, हाँ इस साइड सही है। और अभी तो धूप निकली हुई है, आज तो धूप निकली हुई है, और कल तो बिल्कुल मतलब शाम तक भी धूप नहीं निकली थी बिल्कुल भी, और मौसम हो रहा था शानदार कहीं जाने जैसा। एक और चीज़ बता दूं कि बाहर है ना वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे या कहीं म्यूज़िक चलता रहता है, जैसे कि मैं वहाँ पे चिली पटेटो खा रहा था वहाँ म्यूज़िक चल रहा था, वहाँ वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आई, बट कोई नहीं, अब आ रही है दिक्कत तो क्या कर सकते, अगर आपको वीडियो बनानी है तो आपको कोशिश तो करते रहना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अभी मैं रुक गया कुछ देर के लिए कोटा विराज पे, ऐसे मैं कबूतरों के यहाँ रुकने वाला था बट मैं वहाँ नहीं रुका, क्योंकि उस पर एक वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि आज मैंने वहाँ पे स्पेशल एक कुछ देखा है जो आप लोगों को दिखाना बनता है, तो वो आज की वीडियो में नहीं, कोई और दिन की वीडियो में। चल जब भी यहाँ से निकलते रुकते हैं क्या, जब भी यहाँ से निकलते रुकने का मन करता है, बट पैलेस पे इतना ट्रैफिक रहता था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था मतलब पैलेस पे, और रुक तो ऐसे सकते ही नहीं थे, और फिर भी कुछ लोग एक्सपर्ट लोग जो रुक जाते थे। और मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, ये कोटा विराज के गेट जब काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है तब ओपन होते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, चाहो तो आप देख सकते हो, जब कोटा विराज के गेट ओपन होते हैं, जब एक अलग ही सीन देखने को मिलता है।
साइड से दिखाता हूँ मैं, इधर चल के आपको। ऐसे तो ये वाली जो नई पुलिया बन गई है, तो यहाँ पे आने का शांति सी मिलती है, मतलब आप थोड़ी देर बैठ सकते हो। पहले तो नहीं आ सकते थे, पहले तो क्या ही बात थी पहले की, पहले और अब में बहुत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। और कोटा में काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे अभी नए रोडों का काम चल रहा है, एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर देखेंगे कि किस जगह पे क्या क्या चीज़ नई डेवलप हो रही है। यहाँ पे स्मार्ट सिटी में आ चुका है क्योंकि कोटा, तो अभी चलते हैं, रुक लिए यहाँ पे थोड़ी देर, अब रवाना होते हैं। और निक्की भैया तो नहीं आ रहा आज, ऑफिस तो नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने उनको कॉल करके पूछ लिया, तो निक्की भैया तो नहीं आ रहे, तो अभी चलते हैं। नानी यहाँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ नानी के यहाँ पे, और अभी रुका था पानी पताल खाने। आज का दिन तो टोटली खाने खाने का हो गया, मतलब सुबह से बाहर ही बाहर और बाहर का ही खा रहा हूँ टोटली। तो अभी जा रहे हैं नानी के यहाँ, और अभी खाते हैं पानी। आ गई हमारी दही पपड़ी, मतलब मैं पानी पताशे को दही पपड़ी पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहा, और पता नहीं क्यों मैं पानी पताशे को, मतलब दही पपड़ी को पानी पताशे बोलता हूँ, ये आदत बन चुकी है आदत। आप लोगों को पता ही है कि मैं पानी पताशे नहीं खाता, मुझे पसंद है ओनली दही वाले पानी पताशे। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही आया हूँ, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, जो मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।